तो कॉमेडी के वीडियो देखते होगे, भजन सुनते होगे, गाने सुनते होगे, सब देखते होगे ना। तुम तो चार सवाल का पूछ लें तुम भागे जा रहे हो, ये क्या हो गया हमको? हमारे समझ में यही आ रहा है कि लड़का सोचेगा हमको जानता है। और आज की इस बिजनेस खोज की जर्नी में हर एक बिजनेस की एक जर्नी होती है ना। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? गाँव में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है यही पशुओं का पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन। दादा लिखा है तो यही सब गाँव में जो बिजनेस हैं जो सामने दिखते हैं वही हैं। दो चीज़ें दिखती हैं, एक तो एग्रीकल्चर दिखता है, लोग खेती करते हैं, दूसरा पशुपालन करते हैं। जैसे ये अभी क्या है कि ये मक्का जो है वो निकल रहा है तो लोग मक्के को सुखा रहे हैं इस तरीके से। इस तरफ देख रहे होंगे कि वीरान सुनसान पड़ा हुआ है, और जो आप जैसे अलग अलग जैसे ये ईंटें बनाने का सांचे हैं, क्या है भाई सांचे हैं, तो इधर क्या है कि इधर जो है मेन एग्रीकल्चर है। आपको जो बिजनेसेस हैं मीडियम और बड़े स्केल के बिजनेसेस इस जगह पे इस तरफ नहीं नज़र आते हैं। अगर छोटे छोटे लोग पूंजी लगा के अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो एक दो लोगों को वो रोज़गार उसमें जो है वो देते ही हैं। ये जो ज़मीन है ये ऊसर बोलते हैं ज़मीन वो है, और इस ज़मीन में कोई वैसे कोई भी बंजर ज़मीन है, यहाँ फसल नहीं होती है, तो इसीलिए पूरा एकदम वीरान वीरान सा ये जगह लगती है। भेड़ पालन, और वो जो पालने वाले लोग हैं वो उधर बैठे हुए हैं। तो जो गांव की लाइफ है वो बहुत भागती हुई नज़र नहीं आती है, वो अपनी जो उसकी एक रफ्तार है, कभी कहीं धीमी, कहीं तेज, कहीं बिल्कुल स्लो, वैसी हो जाती है। क्या चल रहा है? नरेगा या गांव कौन गांव जाता रास्ता? जासू। कितने किलोमीटर हैं तेरे? और जासू तेरे कैसे निकली फिर या? जासू फिर बड़ा गांव। तो ये हमारी जो बिजनेस जर्नी है, जो लोगों से मिलने की या लोगों से खोजने की, उनके बिजनेसेस के बारे में बात करने की, बिजनेस लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में बात करने की, तो वो चल रही है। अभी हम कुछ और लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की इस बिजनेस खोज की जर्नी में हमारे साथ साथी हैं गौरव सिंह और भूरे। गौरव है हमारे साथ, और गौरव के साथ हम आसपास जो है वहाँ पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिजनेसेस यहाँ पे चल रहे हैं और कैसे बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, लोग बेसिकली क्या काम कर रहे हैं। तो गौरव, तुम अभी इतने सारे लोगों से जैसे आपने देखा, बहुत सारे लोग मिले रास्ते में, क्या समझ में आ रही है चीज़ें?
हमारे समझ में यही आ रहा है कि बिजनेस गांव में ही करना चाहिए। गांव में ही करना चाहिए, तो गांव में बिजनेस लोगों को करना चाहिए, गांव में रुक के करना चाहिए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, आपको समय बाहर रहो, चीज़ें सीखो, देखो कैसे चीज़ें होती हैं, और अगर आपको वहाँ से चीज़ें समझ में आती हैं तो आप गांव में आके काम स्टार्ट करो। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपॉर्चुनिटी हैं कि बाहर से लोग सामान लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के चीज़ें वो यहाँ लेके आते हैं। तो आगे की बिजनेस जर्नी हम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कैसा आगे होता है आगे देखते हैं। ये है बड़ा गाँव, दादा लोग बैठे हैं, इधर देख रहे होंगे कई सारी लोगों ने ये भैंस जो है वो पाल रखी हैं। अरे भैया चप्पल बेचो तो बाजार में लगाओ कि कहाँ लगाओ? बाजार में। और ये चप्पल लावत कहाँ तेरे सारे? बेहतर बेंदर में बेहटा। अच्छा, तो यहाँ कोई आसपास बनाओ तो है चप्पल या नहीं बनाओ? तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके की चप्पल है, और अगर कोई बनाना भी चाहे तो इन जगहों पे भी बना सकता है, लेकिन वो यहाँ ये सारी जो सामान है वो बाहर से ही आते हैं। क्या हाल चाल? ठीक है? फ़ोन चलाओ तो फ़ोन। गांव है, कौन सा गांव है आई डोंट नो। लड़का सोचेगा हमको जानता है, हैं? आकाश डिजिटल स्टूडियो सफियापुर तिराहा है भाई, सफियापुर गांव है। यहाँ देख रहे होंगे कुछ कुछ जो पाइप हार्डवेयर मिठाई इस तरीके के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो लोग करते हैं, जो यहाँ की जो जिस तरीके की ज़रूरतें होती हैं लोगों की उस तरीके से लोग काम करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? हाई स्कूल में। आगे क्या तैयारी करोगे? बनाई तो आगे सोचे हुए हैं। लैपटॉप चलाना। तो ये चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे चौकस बाबा के नाम से चैनल डालना, ठीक है? इस पे जो है बिजनेस से रिलेटेड सारी जो है इंफॉर्मेशन होती है। और जैसे तुम लैपटॉप सीखना चाहते हो ना, तो उसमें अगर तुम मान लिया लैपटॉप सीख लोगे तो उसके बाद स्टूडेंट रहते हुए क्या क्या काम करके पैसे कमा सकते हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होंगे। तो कॉमेडी के वीडियो देखते होगे, भजन सुनते होगे, गाने सुनते होगे, सब देखते होगे ना, तो बिज़नेस से भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी देखो सुनो, ठीक है? तभी क्या है बहुत सारी चीज़ें मान लिया जो है वो सीखोगे, नई चीज़ें स्कूल में पढ़ाई में सीखते भी हो और ये भी पढ़ो, ये इससे भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखो, ठीक है? ठीक है, तो ये चैनल इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी बता दो और दोस्तों को भी बोलना है कि सब लोग सब्सक्राइब करो, तो इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है? यूट्यूब पे और भी लोगों को बोलना। तो उसमें लैपटॉप से क्या क्या मान लिया लैपटॉप
तुम सीखना चाहते हो, उसके बाद क्या क्या ऐसे काम कर सकते हो जिससे पैसा कमा सकते हो। एंड ऑफ द डे गोल क्या होता है सबका, कि पढ़ाई करें फिर पैसे कमाएं ना, तो उसमें वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी गई हैं। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना और लोगों से भी करवाना, दोस्तों से, स्कूल में भी। महिलाएं एक तरीके का ये भी काम करती हैं, का सिलाई कढ़ाई का यहाँ। तालाब है यहाँ पे, जो सिंघाड़े होते हैं वो पड़ते हैं। तो ये बहुत, जितना भी पानी वाले यहाँ जो भी तरीके के तालाब हैं, लोग उसमें सिंघाड़ा डालते हैं, सिंघाड़े। किस क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ में, संतोष कुमार में। यूट्यूब चलाते हो? चलाते हो। किस तरीके के वीडियो देखते हो उस पर? मैथ्स रिलेटेड उसका। तो हम जो हमारा चैनल है चौकस बाबा, तो उस पर हम बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। बिजनेस कैसे, क्या बिजनेस अगर जैसे करना है, बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड वीडियो डालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ाई के बाद क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें ना, तो उस पर क्या ऐसे चीज़ें आप सीख लो जिससे आप पैसे कमा सकते हो, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ डालते हैं। तो तुम्हारा तो फ़ोन है, तुम अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो और भी दोस्त लोग हैं उनको बोलो कि बिज़नेस से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी सारे लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि एंड ऑफ द डे पढ़ाई करके क्या करना है, पैसा कमाना है ना। एंड ऑफ द डे गोल क्या होता है? पैसा कमाना, घर मेन। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बताते हैं। देना फ़ोन, सब्सक्राइब करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है ना, उसको कहीं भी मिले उसको लेना चाहिए, फ़ायदा रहता है हमेशा। थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, संतोष कुमार में मैं भी पढ़ा हूँ 10th तक जी। अभी कौन कौन से मास्टर क्या क्या पढ़ाते हैं? अभी पुराने वाले सब खत्म, नए टीचर आए हैं सब। हमने तो 2004 में यहाँ से पढ़ाई 10th की करी थी जी। अब तो तुम्हारा 22 हो गया है जी। ये चैनल है चौकस बाबा, तो बहुत सारे इसमें जो बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आपको हर रोज़ हम इसमें क्या है वीडियो अपडेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया है कि ये बिज़नेस है कि दोना पत्तल का बिज़नेस से कितनी कमाई, इसको आप देख सकते हो कि कैसे होता है सारे। जैसे ये और बिजनेसेस की क्या जर्नी होती है, बिजनेस हर एक बिज़नेस की एक जर्नी होती है ना, कि कैसे बिजनेसेस बनते हैं, कैसे क्या स्टोरी होती है, तो उसमें वो सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है, बहुत सारे अपने गांव में भी अपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के बाद बाहर चले जाते हैं, मतलब बाहर इन द सेंस इंटर कर लिया, फिर कुछ इधर नहीं हुआ तो फिर वो नौकरी करने के लिए दिल्ली पंजाब ये सब चले जाते हैं। तो जो जितना कमाने वहाँ जाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ कुछ काम कर लेंगे तो यहीं कमाएंगे ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे साइड में बिजनेस भी कर सकते हो, मान लिया तुम्हारा हो गया और 2-3 घंटे काम करके भी बहुत काम कर सकते हो अगर करना चाहो तो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे चैनल के वीडियो देखो, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखो साथ में पढ़ाई के साथ साथ, तो आने वाले समय में कुछ तुम्हें हाँ लगे कि नहीं अच्छा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो अभी तो ये चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बोलो कि सब्सक्राइब करेंगे, कंटेंट बिजनेस से रिलेटेड मिलेगा, जैसे हम लोग ये अभी बात कर रहे हैं वो भी दिखेगी उसमें जी। ठीक है, अभी किस क्लास में हो? नाइन्थ। आप? टेंथ। कौन सा साइड है तुम्हारा? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत है, बहुत स्कोप है, हर एक फील्ड का बहुत स्कोप है। ठीक है, पढ़ाई करो और
कंटेंट देखो पढ़ाई से और बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि जो यूथ है बेसिकली उससे कोशिश ये रहती है कि उससे कनेक्ट करें, उनको बोलें ये बात कि वो बिजनेसेस क्यों करें, क्योंकि क्या है कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। और कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें, क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ एक्टिविटी बहुत हो सकती हैं, अगर उससे रिलेटेड भी बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस हैं अगर उसको वो थोड़ा थोड़ा करना चाहें तो उससे भी लोकल में लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ लैंड की कोई कमी नहीं है, और बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक जो चीज़ होती है वो लैंड होती है, ज़मीन होती है। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं वहाँ पे क्या है कि लैंड बहुत महंगी है, रेंट पे बहुत महंगी है। हमका नहीं पता है, हमका नहीं पता है, आगे पूछ लो। छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे जब देखते हैं तो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ रहते हो, कौन क्लास में पढ़ा तू, कहाँ जात पढ़े, कौन सरकारी में, कहाँ, तुम तो भागे जा रहे हो, तुम तो चार सवाल का पूछ लें तुम भागे जा रहे हो। बाय बाय। छोटे बच्चे अगर कोई अचानक से उन्हें रोक देता है तो वो डर सा जाते हैं। अगर कहीं भी जो आज के समय में जो आवागमन के जो साधन हैं वो बहुत आसान हो गया है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, और उसके साथ ही दूसरा ये है कि अगर कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी है, अगर लोग गांव में ही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर थोड़ा थोड़ा जो लोकल में रह रहे हैं अगर वो थोड़ा सा ध्यान रह के करके अगर उस तरफ ध्यान दें तो उससे चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। एक तो लोकल में मैन्युफैक्चरिंग होगी, कॉस्ट कटिंग होगी बहुत ज़्यादा, तो और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बाहर बहुत चले जाते हैं, उस समय के लिए बाहर ठीक है, और जो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो लोकल में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आराम से यहाँ पे हो सकते हैं, जो अभी प्रोडक्ट जो हैं वो बाहर से जो आते हैं वो नहीं आएंगे। तो ये अभी इधर के एरिया में बहुत सारे गांव की तरफ गए हैं, बहुत सारे कुछ वैसे बिजनेसेस को ढूंढने की हमने कोशिश करी है जो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें जो बस हैं, जो कुछ भी उस तरीके से काम है वो बाहर से ही लोग सारी चीज़ें मंगाते हैं, लखनऊ से या अन्य जगहों से, दूर दूर कस्बों से। तो मैन्युफैक्चरिंग को लेके इधर जो कोई कल्चर है वो नहीं है। आँखों में बातों बातों में ये क्या हो गया इनको।